गया, उनसे भौतिकी दखल नहीं। उसका मेरा पिताजी मर गया जमीन का लड़ते लड़ते। मेरा पिताजी एक क्रांतिकारी है, जो जमीनी क्रांतिकारी थे, वो लड़के लड़ते मर गया, लेकिन वो हार नहीं माना। जब वो मर गया तो उसकी जगह पर मैं खड़ा हो गया कि मैं भी अपने जमीन पे साथ लड़ूंगा, चाहे हमको भी क्यों ना मरना पड़े। इस जमीन पर हम जिए हैं, इस जमीन के कण कण पे, इस घास में पुश में मेरा अपना है, और इस घास पुश में ही मुझे मिल जाना है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। चाहे मैं अभी जांच कहां तक रुक गया है वो था। अभी सर जांच जांच रुका दिया गया है। स्टेट ऑफिसर राज्य अपॉइंटेड ऑफिसर, ये तीनों मिलकर जांच रुका दिया। 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, जिसमें मेरा भाई 2 एकड़ में करते हैं, तो बचता 2 एकड़ 70 डिसमिल। ये 2 एकड़ 70 डिसमिल जो जमीन है, इसमें मेरा बंसज से बाहर आदमी लोग काम कर रहा है, जो नेता का भाई और रिश्तेदार है, इसलिए जस्टर रुका दे दिया। जो कि क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका, लेकिन वहाँ क्या बोला है कि जो स्टेट ऑफिसर आलम है वो बोला कि जांच नहीं होगा, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम इतना आदमी को नहीं बैठाएंगे, हमको हमको डर ये है, तुम मरता है तो तुम मर जाओ, ऐसा स्टेट ऑफिसर बोला। बुरी तरह से नाइंसाफी है, पूरी तरह। मेरा परिवार एकदम भुखमरी कैसे कागज पर है कि कल अभी 2 महीना से चंदा से ये लोग बहुत गांव के लोग, कुछ बाहर के लोग, साथी लोग, कुछ दूसरा गांव के लोग चंदा पहुंचा कि खाना वाना दे रहा है कि तुम मरो मत, तुम्हारा लिए आएगा, आके तुमको इंसाफ दिलाएगा। इसी उम्मीद पर हम जिंदा हम गए थे आपको, उसमें एक चिट्ठी भी आपका इस माध्यम से आप तक पहुंचाए थे कि हम आपके इंतजार करेंगे, आप आइएगा, मेरा इंसाफ करिएगा। ऐसा स्थिति कर दिया है मैनेजमेंट और नेता, ऐसा बुरी तरह मारा है। इसमें उस नेता के साथ मेरा भाई भी इतना बड़ा मैंने विभीषण जैसा बन गया है कि वो भी बोला कि तुम मर जाओ, तुम समुद्र में घुसा है, तुम समुद्र में घुसा, समुद्र में रह जाओ, कभी देखा नहीं उसने भी। और जबकि इतना मेरा हिस्सा का जमीन बनता है, मेरा हिस्सा का जमीन में फर्जी आदमी लोग काम कर रहा है, और जो मेरा वंशज का है नहीं, वो लोग ऐसे मौज से जी रहा है। मेरा बेटा बोल रहा है कि जहर ला दो पापा, तुम अगर नहीं खिला सकते हो, तो ऐसा स्थिति है हमारा। इसी हम लोग का बड़ा भाई जो है बहुत साथ देते हैं, जो हम लोग जान खाना पीना सब हम लोग के लिए जान हाजिर कर रहे हैं, ये गो है हम लोग के लिए, जो रात दिन यहाँ पर सुबह से रात तक हम लोग देख ना, जो सही बात है आपको बोल रहे हैं, रात दिन एकदम पानी पानी वो सब दे रहे हैं, जो है वो पूरे सपोर्टिंग किया है मानवता के अनुसार। एक मानवता का जो है वो गुण गाया है हमारे दयाल बावरी जो बड़े भैया है हमारे, ये पूरी मानवता के साथ जुटे हुए हैं, और मुकेश बावरी भी है, हम खुद है कि एक मानवता का जो पहल है, जो भूखमरी है, जो बीसीसीएल मानवता भूल गया है, बीसीसीएल के पास इतना पैसा है भैया, बाकी देखिए बाकी भी नहीं लगा दिया है, बीसीसीएल के पास इतना पैसा है कि मानवता भूल गया है, वो किसान को भूल गया है, उसके पास यहाँ का जो कंपनी चलता है, जो क्या कहता है आउटसोर्सिंग का बड़ा बड़ा कंपनी, वो क्या कहता है एजेंट को, मैनेजर को बड़ा बड़ा गाली देता बिना नंबर का, आता है जाता है, आता है जाता है, यहाँ का पैसा बोलता है, मानवता नहीं बोलता, मानवता संसार है। जो बुक में पढ़े थे, जो किताब में पढ़ते थे, वह आज हम जब हकीकत में जमीनी हकीकत में देख रहे भैया, तो बहुत खराब लग रहा है कि हम किताब में क्या पढ़े थे, किताब में क्या सीखे थे, कि एक दूसरे पे सहायता होना चाहिए, एक दूसरे पे परस्पर मदद होना चाहिए, वो मदद आज हमारे लिए बेकार हो गया। यहाँ पर देखता है पानी पानी, उस दिन यहाँ पर पानी देने का था, धूल उड़ रहा है, मेरे चाची का थोड़ा सा अस्थमा का बीमारी है, उसके अग्रसर पूरा हो गया, लेकिन पानी नहीं दिया, बोला नहीं पानी देंगे नहीं। बिजली बिजली देने के लिए कहाँ बोलता नहीं बिजली देंगे, अगर हम वो हमारे विरोध है, सोच लीजिए एक बिजली ने तो अंधेरा में सोता है, अंधेरा में सो, उस दिन सांप बिच्छू आ गया था, अच्छा हुआ कि थोड़ा टॉर्च का स्क्रीन देखे तो पता चला चीटी सांप सर सब चल। इतना दिन से इतना दिन से मेरा रामताल पंचायत कितना आदमी है, मान इतना बार कोई आदमी इससे थोड़ा सा भेंट करने नहीं आया है, ज्यादा कैसे है कोई मैंने क्या बोला है बेटा, रामताल का नहीं तो कान काल में आ रहा है, होता है धीरे धीरे सब कोई आएगा। यहाँ पर जो फंसा हुआ है कंपनी, कंपनी नहीं चाहता है कि हम रेतीदारों को नहीं देंगे, कंपनी चाहता है कि हम रेतीदारों को नौकरी ना दे, ठीक है, क्योंकि एक मिनट रेतीदार, ठीक है बोलो, अच्छा ठीक है गलती हो गया भाई, ठीक है ना, गलती हो गया, छोड़ो ना, गलती हो गया तो ठीक भैया, आप आए हैं तो सारा चीज बोल देते हैं। 1990 से 95 में जो खेला खेला है वो बहुत बड़ा खेला है, और उसके वजह से उसका जो वंशज है उससे एकदम नाराजा हो गया, जो कंपनी को देना चाहिए था, जो कंपनी को नौकरी देना चाहिए था वो नौकरी नहीं दिया, उसके जमीन को लेकर किसी और को नौकरी दे दिया, और उसका कंपनी का एक एजेंडा निकला, उस एजेंडा का नाम है पैकेज डील। कम किसी भी बीसीसीएल के एरिया में जाइए, आप जाते ही है, आप देखिएगा वहां जाने का एक ही चीज बोलता है, पैकेज डील हो गया,
पैकेज डील हो गया, पैकेज डील हो गया। हम उस दिन पूछे ये पैकेज डील क्या होता है, पैकेज डील का मतलब क्या है, इसका कॉपी किताब है तो हमको दीजिए हम पढ़ेंगे पैकेज डील का मतलब क्या होता है, है ना। उसके बाद बोला R&R पॉलिसी, बोला वो जानते हैं, हम R&R पॉलिसी जानते हैं, लैंड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड हम जानते हैं, ये 2 एकड़ पर 1 नौकरी का प्रपोजल है ये जानते हैं, लेकिन सर आपके, लेकिन हम आपके पैकेज डील के बारे में नहीं जानते। पैकेज डील आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई एक चाल है, एक मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है कंपनी, जो आज से नहीं 30 से 40 साल तक किसी मनगढ़ंत कहानी को रेतीदार को सुना देता है कि तुम्हारा पिताजी देखो पैकेज डील में साइन कर दिया है, तुम्हारा हक मार दिया है। एक पिताजी दो तीन चार का, अगर किसी का 4 को बेटा है तो 4 को समान अधिकार देगा, 3 का हक मारेगा। ये कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रपोजल है कि किसी भी रेतीदार को आएगा तो उसको दिखा देना कि तुम्हारा पैकेज डील हो गया है, तुम्हारा बाप साइन कर दिया है, तुम यहाँ पर नहीं कर सकता। और उसके वजह से जैसे 6 एकड़ किसी का नौकरी, 2 एकड़ हो गया, 4 एकड़ किसी को देकर पैकेज कर दिया है, पैकेज डील कर दिया है। मेरा मेरा बाप का कहीं साइन भी नहीं है, दादा बोले क्या चाचा बोले, एक भी साइन भी नहीं है मेरा पिताजी का कहीं किसी को देने का। किशन जी बोलिए, क्या सुने अभी तक आप, सुन रहे समझ रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में मिला जा समर्थ। प्रबंधन प्रबंधन तरफ से कोई वार्ता या फिर कोई नहीं, 20 तारीख से 30 तारीख तक 2 घंटा रोजाना धरना दिया था, जिसमें 28 तारीख को बता के लिए एक पेपर दिया, तो उसमें बता करने के लिए आया स्टेट ऑफिसर और एजेंट जो नेता का चमचागिरी किया। हम बोले कि आप लोग फैसला कर पाइएगा, तो बोले नहीं हमारा छोटा टेबल है यहाँ तो हम लोग आपका फैसला नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक साथी मित्र बोला कि जब फैसला ही नहीं कर पाएगा तो आप लोग आए क्यों, तो बोला तब आप लोग संविधान पूरा करने के लिए आया है, इसको 10 दिन बैठा इसलिए। फिर उसके बाद 6 तारीख से अमर अनशन अमर धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे 6 तारीख से आज तक कोई बता नहीं क्या, कोई ऑफिसर नहीं आया। और 2-4 को चिट्ठी दिया है जो पहले 30 तारीख का पहले लिखा हुआ है, 6 तारीख को 3 तारीख को आया है, जिसमें लता पोता करके जैसे गोल मेडल बराबर देता था हमको 20 साल से वही पेपर भेजा है, बाकी कोई बात नहीं, कोई शुद्ध लेकिन नहीं आया, और नहीं कोई नेता भी आया, कोई नेता भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि क्यों ना आएगा यहाँ अपना मुँह देखने मुँह दिखाने के लिए, काला मुँह लेकर नहीं आएगा यही हुआ। बोलने का है वो तो आप लोग बोल चुके हैं, हम नहीं चाहते बेचारा इतना ना बोले बोले क्या इनका इनका बोलने का मतलब है जो मेरा जो जमीन है बोले बोले उस जमीन में जो नौकरी लिया हुआ है वो गलत आदमी लिया हुआ है, वो मेरा न वंशज का है न किसी का है, वो दूसरा वंशज का है और वो लोग जमीन में नौकरी ले चुका है इसका जमीन पर, अरे भूखे मर रहा है और इसका साथ कोई नहीं दे रहा है, स्वयं इसका भाई उस जमीन पर एक नौकरी करता है लेकिन वो भी नहीं देता है इसका साथ, क्योंकि वो मिला हुआ है वो लोग से जो लोग नौकरी कर रहा है वो लोग से कुछ नहीं देता है, बेचारा को मरने के लिए बोल रहा है, भगवान ना करे हम लोग 2-4 गोटा 5 गोटा गाँव का आदमी कुछ आया तो जिंदा है, नहीं तो अब तो मर जाता है इसका बेटी का शादी करा देंगे। ना ऐसा कुछ बात नहीं है, बोलो ऐसे बोलने से होता है, किसके सामने बोला है, सामने आके बोलेगा वार्ता करेगा अपना भाई, अपना भाई को बोलेगा तब तो, ये अपना भाई ना है इसको बोलेगा ना कार्तिक तुम इसे क्यों कर रहा है तो तुम रहो तेरा दिक्कत क्या है हम है तेरे लिए, ऐसे तो बोलेगा ना इसको, लेकिन इस तरह कुछ बात नहीं है। वो तो साथ में मिल के जेल भी भेजा है मेरा भाई अपने, फिर केस भी किया है मेरा नाम पर, अफसर भी केस किया है कहते मेरा नाम पर झूठा झूठा केस बना के। जमीन का खतियानी मने तुम्हारे दादाजी तो बंसावली में आपके पिताजी लोग कितने भाई, पिताजी अकेले थे, अकेले थे, दादाजी भी अकेले थे और आप लोग दो भाई हैं, हम लोग तीन भाई हैं, तीन भाई हैं, तो बाकी जो दो भाई आपके हैं वे लोग, बाकी भाई का एक भाई था मेरा साथ जो मर गया, उसका बेटा लोग को सेटिंग करके वो लोग अपना साथ रख लिया। तो मैंने आपका कितना एकड़ बना, 4 एकड़, 4 एकड़ 70 डिसमिल आपका कुल जमीन गया है, गया हाँ। यानी अगर आप आरआर पॉलिसी का भी बात करें तो 2 एकड़ में भी एक नौकरी, तो आपको 2 नौकरी बनता है, 70 डिसमिल आपका एक्स्ट्रा है, तो उस हिसाब से एक नौकरी आपका भाई कर रहा है, यानी उसके अलावा भी एक नौकरी आपका बन रहा है, एक नौकरी आपका बन रहा है, मैंने उस पॉलिसी का भी जो आपका कॉल इंडिया का उस पॉलिसी के अंतर्गत भी आपका नौकरी बनता है। इसमें मैंने समस्या ये हो रहा है कि आपके स्थान को किसी को दे दिया, एक आदमी का नाम भी दिया गया। अच्छा, तो ये मैंने आपके स्थान पे जो नौकरी दिया गया तो कितना साल पहले,
पंचानवे ना मोटा मोटी 18 साल सॉरी हाँ 28 साल 28 साल पहले। अच्छा तो उस समय जब 95 में आपका नौकरी किसी को दिया गया था, जाहिर सी बात है गांव का आदमी तो जानकार होता नहीं, आप उस समय ध्यान आपको नहीं गया? नहीं, मेरे पिताजी हमको बोला था कि एक एक आदमी को हो रहा है, दो चार छह महीने आठ महीने बाद तुम्हारा भी हो जाए, हमारा भी बताया गया ना, तो 12-9 महीने बाद फिर हुआ कुछ आदमी का, उसमें मेरा नहीं हुआ, उसी में खेला हुआ। उसके बाद आप 2023 में आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप करते हैं, शुरू से करते हैं? शुरू से करते हैं, 7 से बेजोड़ आंदोलन की, 1300 पे इतना आंदोलन किए कि उस टाइम हमको मैंने पूरा प्रशासन उसमें कैच ले लिया कि आपका ऐसा फैसला होगा, सबको बुलाया, इतना पेपर है मेरा पास कि जीरस कराते कराते और पेपर दौड़ते दौड़ते हमारा घर का खाना खत्म हो गया, कुछ कर्जा भी हो गया, इस पर इतना दबाया डीओ उस टाइम महेश कुमार सतले था, आके हमको बोला काटे जी आपको प्रणाम करते हैं, हमारा ऊपर में दबाव है जो आपका हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल के बीसीएल को मेरे सामने गाले दिया कि अरे भाई इसको काहे नहीं नौकरी दे देता, इतना जमीन है इसका, फौजी आदमी कर रहा है काम, एक नौकरी इसको दे दो और फिर एक भाई को एक नौकरी उसमें दे दो जिसमें तुम जबरदस्त काम चला रहा है, ठीक है। उसमें टीके लाड़ी साहब आया था, आके बोले सारा पेपर मिलने की भी दिया, वही पेपर भी चुरा लिया, तीन तीन पेपर चुराया गया मेरा साथ। हम लोग 95 में जो 12 नौकरी हो ना, उन लोग को 24 एकड़ दिखा दीजिए, हम अपना जमीन छोड़ देंगे, मेरा 2 एकड़ पक्का जमीन है, अभी दिखाए तो अभी दे देंगे जमीन। हमारे यहाँ पर कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे जो नौकरी किया गया है और आने वाला समय में जो नौकरी होगा, आने वाला समय में नौकरी देना नहीं चाहता, नौकरी देना नहीं चाहता, मतलब इनका साफ तौर पर एजेंडा, आप कोई कहेगा कि आप 15-20 साल से क्या कर रहे थे, इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ, 15-20 साल में एरिया और कोयला भवन का दौड़ते 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 बाल पक गया, मेरा पिताजी मर गया, मैं भी खुद एक रहती था, मेरा भी जमीन यहीं पर है, मेरा 2 एकड़ होने के बाद यहाँ तक कि मेरा अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल हुआ DDPP से DP से CMD से, अप्रूवल होने के बावजूद भी 2 एकड़ पूरा होने का, 2 एकड़ 19 डिसमिल पूरा एक्वाड है जो इस BCCL के द्वारा दिया गया है, यहाँ आपका सारा कागजात हो गया, जब वो एरिया कोयला भवन गया ये खा कर कर दिया कि आप भौतिकी दखल देने में असमर्थ रहे, ये कह के, और उस जगह में आज तक किसी से BCCL में उसमें नहीं, भौतिकी दखल इससे पहले किसी से नहीं मांगा, नहीं मांगा आज तक किसी ने, इतिहास में गवाह। भौतिकी दखल का मतलब यही ना कि मैंने उस भौतिक संपदा पे आपका अधिकार है तो उसका तो डॉक्यूमेंट यहाँ क्या हुआ, तैयार थे फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे चलिए हम होते की तकली दे देंगे, लेकिन उस टाइम क्या बोल दिया कि मेरा 3 वाड़ी है, ठीक है, उसमें 2 वाड़ी आया नहीं, 2 वाड़ी आ गए, 1 वाड़ी आया नहीं, तो बोला कि नहीं 3 वाड़ी का होना चाहिए, हमने वहाँ पर पंचायती भी करवाए, पंचायती का मेरे पास रसीद भी है, मेरा कागज भी है, लेकिन वो आया नहीं, फिर भी हमने कंपनी को कहा चलिए आप भौतिक की दखल ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार है, बोला नहीं 3 वाड़ी होना चाहिए। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए, आज तक किसको भौतिक की दखल लिया जो मेरे से आप भौतिक की दखल मांग रहे हैं, और उसी जगह में जो अब रिटायरमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट कर गया है, आज तक भौतिक इसी का सेम काम इन लोगों का काम है कि आप कोयला भवन जाइए, एगो लिख देगा एरिया आ जाइए, एगो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए, मतलब कागज और पैसा का बर्बादी, एक तो किसान के पास ऐसे पैसा नहीं है, वो तो ऐसे जर्जर अवस्था में, दूसरी बात BCCL की जमीन लेने के बावजूद भी ना तो वो हमारा जमीन छोड़ रहा है और ना तो हमें नौकरी दे रहा है, ना तो हम खा रहे हैं ना तो हम पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर BCCL के हर एक एम्प्लॉय अच्छा खासा मोटा अमाउंट लेके मानवता को भूल गया है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि किसान है, अगर तुम नौकरी नहीं दे पा रहा तो उसका NOC दे दो, उस जमीन का NOC दे दो, खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाएगा, मुझे बोलने दो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी देने में असमर्थ है तो हम जितना दिन तक दौड़े उसका मुआवजा के साथ मुझे NOC दे दो, मैं तो आपका जमीन नहीं लिया हूँ आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चाचा आज 25-30 साल दौड़ा है, तो इसका मुआवजा जो बनता है, एक मुआवजा बनेगा ना, एक सरकारी रेट से इसका मुआवजा बनेगा ना, उस मुआवजे के हिसाब से इसको वो रकम प्रदान कर दिया जाए और इसे NOC दे दिया जाए कि नहीं हम अभी नौकरी देने में असमर्थ है, आप अपना जमीन पर अपना खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाइए, भरण पोषण कीजिए, हम किसान है भी क्यों मांगेंगे, हम देश को देते हैं 75% हमारा हिस्सेदारी है देश में, 75% का हक रखते हैं हम अपने, और किसी भी विश्व की बात करेंगे तो किसान नहीं रहेंगे तो क्या CMD रहेगा, बिना खाए हुआ आ सकता है क्या, अन्न के बगैर आ सकता है क्या, आ सकता तो अन्नदाता है, अन्नदाता जब भीख मांगता है तो बहुत खराब लगता है, जमीन और किसी और का, मामला समझ गया मैटर को समझ गया, अब इसमें समाधान कैसे होगा उस पर हम लोग को चर्चा कर। तो आज तो हम काफी कार्यक्रम था और आप लोग मीडिया सोशल मीडिया में हम भी देखे तो बोले जल्दबाजी में हम आए हैं, बाकी एक दिन हमारा जो टीम है जो RR पॉलिसी को और जो भी विस्थापित
मुद्दा को देखता है, उनके साथ हम लोग भेजते हैं उनको या फिर स्वयं आते हैं, और आगे क्या कागजी प्रक्रिया हो एक बार हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर आगे बृहद आंदोलन करते हैं, इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने का काम करेंगे।